नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? तो कल से ही ध्रुव राठी जो है वो ट्विटर पर लगातार ट्रेंडिंग में बने हुए हैं और उनके वीडियोज को बहुत ही ज्यादा शेयर किया जा रहा। तो आखिर ध्रुव राठी कल से ही ट्रेंडिंग में क्यों बने हुए? तो जैसा कि आपको पता होगा कि ध्रुव राठी का एक महीना पहले एक वीडियो आया था जो कि था इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। और जैसा कि ध्रुव राठी ने उस वीडियो में बताया था, कुछ वैसी ही चीजें फिलहाल में हुई है जैसे कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना। तो कल ध्रुव राठी का एक नया वीडियो आया जो कि था डिक्टेटरशिप कंफर्म्ड, यानी कि कह सकते हैं कि जो डिक्टेटरशिप वाला पिछला वीडियो था जो एक महीना पहले आया था उसी का ये पार्ट टू टाइप का हुआ। और ध्रुव राठी के इस वीडियो पर बहुत ही खतरनाक वाला रिस्पांस मिल रहा, क्योंकि नॉर्मली जहां उनके वीडियोज पर लाइफ टाइम व्यूज आते हैं 7-8 मिलियन, वहीं इस वीडियो को डाले हुए अभी सिर्फ 14 आवर्स ही हुए और उस वीडियो पर 7.7 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और 1 मिलियन लाइक्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि पब्लिक की तरफ से इस वीडियो को बहुत ही अच्छा वाला रिस्पांस देखने को मिल रहा और ध्रुव राठी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा, इसलिए ध्रुव राठी लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे कल से ही। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ध्रुव राठी जो है वो लगभग 22,000 पोस्ट के साथ ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा, वहीं डिक्टेटरशिप जो है वो भी ट्रेंड कर रहा ट्विटर पर। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ध्रुव राठी के वीडियो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद भी वो ट्रेंडिंग में अभी तक नहीं आए, यानी कि वो नंबर 1, 2, 3 कहीं पर भी ट्रेंड नहीं कर रहा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आखिर ध्रुव राठी का वीडियो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आया, इस पर आपका क्या कहना है? आप नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए खबरी मैन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।